बच्चे हैं ना, जो मेरे बच्चों के बराबर बच्चे हैं, वो भी मुझे कहते हैं हमें सन्नाटे कहाँ जा रहे हो। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान स्टील मिल में थे। अच्छा। और जो है ना, हम तीन भाई हैं, एक मुझसे बड़े हैं, एक मुझसे छोटे हैं। अच्छा। और बहनें हैं मेरी, चार बहनें थी, अब तो माशाल्लाह सबकी शादी कर दी हमने। और क्या कहते हैं, मेरी भी शादी हो गई। फिर शादी तो हो गई, तो पर लड़कपन का जो कोई प्यार वगैरह कोई तो होगा, क्योंकि मैं जब क्रिकेट खेला करता था ना, तो मैं तो बोलता था कि यार इधर मैं खड़ा हूँगा, क्योंकि उधर जो लड़की रहती ना वो इधर से सामने दिखती है। अच्छा अच्छा हसन भाई, खैर मोहब्बत तो सभी ने की होती है, तो जिंदगी हाँ, वरना जिसने मोहब्बत नहीं की उसकी जिंदगी में तो आपको पता है ऐसा वीराना छा जाता है, सन्नाटा होता है बिल्कुल। तो मोहब्बत मैंने भी की थी एक दफ़ा, तो कई और मोहब्बत वो आपको पता है जब तक 10 साल नहीं गुजार ले मोहब्बत मोहब्बत नहीं कहलाती थी। तो मेरी भी मोहब्बत में ऐसे ही 8-10 साल गुजर गए, मैंने मोहब्बत तो शायद एक ही की थी। बहरहाल मेरे ने जिससे मोहब्बत की उससे मेरी शादी नहीं हो सकी। अच्छा, लड़कपन का कोई ऐसा वाकया जो आपको अभी भी याद हो और आप पीछे सोचते हो तो आप बोलते होंगे यार वो कितना अच्छा टाइम था, वो अब वापस नहीं आता। शादी से पहले की जो लाइफ थी ना, वो बिल्कुल लड़कपन वाली थी। उसमें जो है ना बहुत भरपूर इंजॉय था, यानी लोड ज्यादा नहीं था कंधों पे, बोझ ज्यादा नहीं था। ऐसा वक्त था कि अगर कोई शरारत भी करे तो गाली अब्बू को पड़ती थी बस। हाँ, यानी ना फलाना का बेटा है ना, फलाना का बेटा है तो इसको अब डायरेक्ट आसिम सन्नाटा को गाली पड़ती है। अब जो ना डायरेक्ट मुझे पड़ती है, अब तो जो बच्चे हैं ना, जो मेरे बच्चों के बराबर बच्चे हैं, वो भी मुझे कहते हैं हमें सन्नाटे कहाँ जा रहे हो। तो आसिम सन्नाटा बिल्कुल आप बता रहे हैं जो आपका जिस तरह से माजी गुजरा, तो फिर एक्टिंग की तरफ। हसन भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मैं एक्टर था ना ही मैं शौक रखता था इसका। आपको आप शायद जानते होंगे एक यूट्यूब पे एक चैनल है P4 पकाऊ। जी जी बिल्कुल, नादिर अली। हाँ नादिर अली, दरअसल मैं और नादिर अली एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा। हमारे फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे थे। अच्छा, अच्छा। तो और नादिर मुझे बड़े भाइयों की तरह इज्जत देता था बहुत अच्छी तरह से। तो एक दिन मैं मछलियां पकड़ के आ रहा था, तो मेरी गाड़ी में ना कोई 8-10 मछलियां भी थी बड़ी बड़ी, कोई 30 किलो की थी, कोई 20 किलो की थी, इस तरह। तो हमने एक फिशिंग का कंपटीशन रखा था, उसमें मछली पकड़नी थी बड़ी मछली, तो वो मैं जीत के आया था वहां से। तो नादिर ने मुझे बोला सन्नाटा साहब हमें एक जगह शूटिंग करनी है, तो आप चलें साथ। तो कह रहा वहाँ झगड़ा भी हो सकता हमारा बहुत खतरनाक। तो मैंने बोला चलो। खैर नादिर ने ना, हम एक दोस्त था मेरा, हमने वी कैमरे वगैरह लगाए छुपा के, नादिर ने सारे, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा था ये सारी चीज़ें जो नादिर कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी प्रैंक या टीवी या सोशल मीडिया पे काम नहीं किया था कोई। तो नादिर ने कैमरे लगाए छुपा के, भाई एक गाड़ी में लगा दिया, एक वो दुकान के पीछे लगा दिया, मैं ये सीन देखता रहा। खैर मैंने छुपा के कैमरे लगवा दिए, 2 कैमरे गाड़ी में थे, 1 कैमरा उसने अलग से लगवाया। तो उसने बोला ये कसाई की दुकान आप मुझे ले दें खाली। अच्छा। तो और सन्नाटा साहब आप दुकान लेके देंगे, आपने मेरे साथ इसमें काम करना है। मैंने बोला अच्छा भाई नादिर। फिर हमने मैंने एक दोस्त को बोला अपने, यार ये थोड़ी देर के लिए दुकान हमें दे दो और तुम हट जाओ यहाँ से। हाँ मैं प्रैंक करूंगा इसके ऊपर, तुम्हें बिल्कुल बीच में नहीं आना, हो किसी को पता नहीं है क्या कौन है कौन नहीं है। हम नादिर ने हमें और नादिर बैठ गए दुकान पे। वो प्रैंक मेरी और नादिर की उसने जिंदगी बदल दी। अगर आप किसी को अपना प्रैंक की तो बात नहीं करें, वो गधे का गोश्त। जी जी जी, डोंकी मीट, डोंकी मीट। हाँ वो मैंने और नादिर ने बनाया, तो वो मेरा पहला प्रैंक था। हाँ मैंने देखा, सही है ना। हाँ उस प्रैंक में उसने मेरी और नादिर की दोनों की तकदीर बदल दी। उसके बाद जो है ना, फिर मैं नादिर के साथ काम करता रहा P4 पकाऊ के अंदर, बहुत शूटिंगें की, बहुत अच्छा, बहुत इज्जत मिली, बहुत ज्यादा शोहरत मिली, बहुत घूमे मैं और नादिर हम दोनों साथ। फिर लोगों में मेरी पहचान बन गई, पूरी टीम मेरी आउट ऑफ कंट्री जाती थी, मैं नहीं जाता था। मैं दरअसल जॉब करता हूँ जहाँ पे मेरी जॉब है शिफ्टों की, मैं जॉब में मसरूफ था, यानी ये मेरा जो ना कैमरे के सामने आने का मुझे वो नहीं था शौक। दुख नहीं हुआ कि यार सारी टीम आउट ऑफ कंट्री जा रही है, मैं भी बाहर जाऊँ यूरोप देखूँ? नहीं होता था कभी कभी उसमें, और पता नहीं हो सकता है नादिर ने मुझे ऑफर नहीं की कभी, और करता तो शायद मैं चला जाता। और क्या कहते हैं, दरअसल नादिर के साथ जो लड़के थे वो उसकी टीम वर्क में थे, पुराने लड़के थे उसके साथ। मैं जब ज्वाइन हुआ था तो मैं नया नया था। हाँ लेकिन मेरे ज्वाइन होने से ये हुआ था कि मुझे नादिर जैसा उस्ताद मिल गया था, सही है ना, और जो ना नादिर को आसिम सन्नाटा मिल गया था। हम दोनों को एक वीडियो ने शोहरत दे दी,
हम दोनों बुलंदियों पे चढ़ गए, अल्लाह ताला ने हमारा हाथ पकड़ लिया। फिर नादिर और मेरे में थोड़े कोई इख्तलाफात ऐसे नहीं है हमारे, लेकिन बस थोड़ा सा नादिर, हाँ नादिर भी थोड़ा गर्म दिमाग है, थोड़ा मैं भी गर्म दिमाग था पहले। कभी इस चीज की फीलिंग नहीं आई कि यार एक चैनल जो है वो काफी एस्टैब्लिश हो गया था, जी फिर उसको खत्म करके जीरो पे आके दोबारा से सारी चीजें स्टार्ट करना? मकसद ये देखें, मेरा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा मकसद कोई इसमें आ गई, ये मेरी जॉब नहीं थी, मैं एज ए नादिर ने मुझे शौक दिलाया, मैं शौक में आ गया। जब मैं शौक में आया था तो मैंने नादिर से कोई पैसा नहीं लिया, मैंने जितना भी काम करा नादिर से कोई मैं पैसे नहीं लेता था। हाँ जब मुझे ज़रूरत होती थी मैं नादिर को बोलता था मुझे ये पैसे चाहिए, फला खर्चा है, टीम का सारी खर्चा मैं उठाता करता था, यानी पेमेंट नादिर करता था, लेकिन सब मेरे हाथ में था पूरी टीम को। तो अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि नादिर को मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैंने उससे प्रैंक में आने से पहले किया था। क्यों? क्योंकि हमारे फैमिली टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा, और वो मेरा उस्ताद भी है, और क्या कहते हैं, दुख इसलिए नहीं हुआ कि मैंने फिर मुझे मेरे लड़के मिल गए, उन्होंने बोला आसिम भाई आप चैनल बनाते हैं, कंपनी ने मुझे ऑफर की तो उन्होंने चैनल बना दिया मेरा। फिर हमने चलना शुरू हुए तो 5 महीने लगे थे हमें, तो अल्लाह पाक ने हमें सिल्वर बटन से भी नवाज दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि नादिर अली और आजम सन्नाटा की जो जोड़ी है ना, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर वाली जोड़ी थी। जी जी अभी भी लोग भी ऐसा ही कुछ हुआ, अभी भी नादिर के प्रैंक पे कमेंट्स आते हैं आसिम सन्नाटा को वापस ले आओ, और मेरे प्रैंक पे आते हैं आसिम सन्नाटा नादिर के साथ चले जाओ। तो बस ये दुनिया हम दोनों को चाहती है हम दोनों साथ आए नादिर, और शायद रिवर्स का बटन नहीं है। नहीं देखें रिवर्स नहीं है, नादिर उस्ताद है मेरा, अगर नादिर मेरे को बहुत ऊंचे पहाड़ से भी बोलेगा आसिम सन्नाटा रिवर्स लगा दो तो मैं लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबको भूल जाना चाहिए, किसी ने आपको जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने आपको इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ से नवाज दिया, तो उस आदमी के आवाज़ देने पे ना उसको ज़रूर पीछे मुड़ के देखना है कि यार ये आवाज़ दे रहा मुझे, आज जो कुछ भी हूँ मैं उसने मेरी पहचान बनाई थी। पहले के लोग जब प्रैंक्स करते तो लोगों को प्रैंक्स का पता भी नहीं था। हाँ जी नहीं पता, बोलते थे वो कैमरे पे हाथ हिला दो, जी जी वो वाला प्रैंक था। आप लोगों ने प्रैंक को एक नया फ्लेवर दिया। अब बिल्कुल एकदम सही है। हाँ। तो क्या आपको नहीं लगता आप लोग इस चीज के पायनियर हैं जो पाकिस्तान में प्रैंक को उरूज पे बजाने वाला, क्योंकि उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ कि हर कोई प्रैंक्स बना रहा है। देखें जब हम पीफर पकाऊ से काम कर रहे थे ना, तो पूरी दुनिया के अंदर आसिम सन्नाटा और नादिर अली की जोड़ी हिट है, पाकिस्तान में हम नंबर वन है, सही है ना। नादिर अली प्रैंक स्टार है, समझ लें प्रैंक को जो पॉपुलरेशन दिए ना वो नादिर अली ने दिए पाकिस्तान में। हाँ तो वो पाकिस्तान में नादिर अली ने दिए, और हमारी शोहरत का भी जामिन वही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आसिम सन्नाटा अपनी शोहरत लेके आया था, मैं तो फिशरमैन था, मछलियाँ पकड़ता था मैं, और शौक था मेरा मछली का। तो इस वजह से रिवर्स घेर मेरे में नादिर के लिए लगेगा और किसी के लिए नहीं लग सकता, लेकिन उसके लिए लग सकता है क्योंकि वो मेरा उस्ताद है। आपने बताया कि आपकी और नादिर की किसी बात पे तल्खी हो गई थी, उसके बाद भी आपने 600 बार उनको उस्ताद कह दिया, आपने उनकी तारीफ कर दी। लोग तो तल्खी हो जाती है, तो उसके बाद जो है लोग एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते। नहीं नहीं मैं नादिर को बुरा भला नहीं कह सकता, वो मेरे को भले वो गालियां भी दे देगा कोई मसला नहीं है, मेरी नज़र में वो मेरा उस्ताद है, मैं इस नियत से देखता हूँ क्योंकि मैंने जहाँ काम किए ना, तो जहाँ हम अपने अफसर की कितनी इज्जत करते हैं। अब मेरा कोई ऑफिसर है कंपनी के अंदर मेरी, उसकी मैं बेतहाशा इज्जत करता हूँ और हर बात उनकी मानता हूँ। तो नादिर इस तरह प्रैंक में उस्ताद भी था, कंपनी का मालिक भी था। उनको चैनल्स वाले अप्रोच करते हैं, जी जी कॉल करते हैं, वो मॉर्निंग शोज में भी जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं। जी जी आसिम सन्नाटा मेरे साथ प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया नौकरी की है, मुझे भी 2-3 कॉलें आई हैं, 2-3 जगह बुलाया गया है, लेकिन टाइमिंग कुछ ऐसी थी मैं नहीं जा सकता था, सही है ना। तो मैं जाने से मुझे वो नहीं है कि मैं नहीं जाऊँगा, जाऊँगा मैं भी, लेकिन मैं अपने टाइम से जाऊँगा, नौकरी से को ज़्यादा अहमियत देनी है प्रैंक से ज़्यादा। तो आपने इसको कारोबार नहीं बनाया? नहीं नहीं मैं आज भी P4 पकाऊ से लेके आज तक आसिम सन्नाटे तक मैंने पैसों के लिए कभी ये प्रैंक नहीं बनाने निकलता हूँ कि मैं आज पैसा कमाऊंगा इससे। और मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो भी ये बात जानते हैं कि आसिम सन्नाटे को पैसों की ज़रूरत है मुझे, यानी कि मैं किराए के घर में रहता हूँ, आपको पता है मैं अपना घर नहीं खरीदा मैंने। आप किराए के घर? हाँ मैं किराए के घर में रहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आसिम सन्नाटा जिसकी वजह से नादिर अली आज यहाँ पर है मौजूद, वैसे मतलब जोड़ी होती है एक दूसरे का साथ होता है, फिर उसके बाद आसिम सन्नाटा के भी 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर माशाल्लाह से, उसके पास अपना घर नहीं? नहीं नहीं मैं अपने घर, मेरा घर अपना नहीं है, किराए पे रहता हूँ, बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से। लोग तो समझते हैं कि बहुत पैसा होगा, गाड़ी भी करोला शरोला होगी। अच्छा मैं ये सब बता दूँ, मेरे पास गाड़ी भी मरगला है
और ये भी एक बात बता दूं, ये मरगला जो मेरे पास गाड़ी है ना, मेरे एक फैन है, अब मैं नाम नहीं ले रहा उनका, मेरे एक फैन है, उन्होंने ये गाड़ी मुझे गिफ्ट की है। मैंने गाड़ी बाखुदा खुद नहीं खरीदी है, मेरी टीम को उन्होंने एक जगह बुलाया। मोटरसाइकिल में जाते थे? जी जी, मोटरसाइकिल पे हम लोग जाते थे छतरी लगा के। यही गर्मी होती थी, यही गर्मी होती है, ये इतनी गर्मी में ना, यही गर्मी, छुट्टी का दिन मेरा एक होता है, उसमें जरूर शूट करने निकलना है। तो मोटरसाइकिल, उन्होंने हमें देखा, देखा क्या, हमने एक दिन एक साहब के साथ प्रैंक कर दिया, उन्होंने मुझे बेतहाशा अपने घर से निकाल के मारा, दिल से मारा उन्होंने मुझे ना। उनके एक दो हिमायती भी आ गए, मेरी टीम ने और मैंने पिटने दिया अपने आप को। जब हम पिट लिए मैं सही से, फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैंने कैमरा लगाया, आपसे मजाक करा है। उन्होंने और गुस्सा करा, उसके बाद उनसे दोस्ती हो गई। उन्होंने जब क्लिप देखा, मैंने बताया ऐसे थे। तो एक दिन हम जा रहे थे छतरी लगा के, तो वो आगे से कहीं से आ रहे थे, उन्होंने मुझे देख लिया। तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया एक दावत पे, और जब हम दावत खाली, मेरे साथ मेरी टीम थी, तो मुझे चाबी और ऐसे फाइल मेरे हाथ में दे दी उन्होंने। कह रहे आसिम ये गाड़ी आज से आपके लिए। तो यार मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, लोगों की मोहब्बत से मैं, मेरा दिल जो ना गमगीन सा हो या नर्म, क्या कहते हैं उसे, बस तो हाँ, मैं मोहब्बत मुझे इतनी मिली है इन लोगों से, और मेरा कोई गार्ड नहीं है। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ, तो यकीन करें मैं झूठ नहीं कहता हूँ, 20-25 लोग मेरे एज ए गार्ड मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं आगे मेरे। आपने बताया कि एक शख्स ने मुझे बहुत मारा प्रैंक के दरमियान। जी जी, आजकल तो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रही होती है तस्वीरें कि प्रैंक हो रहा है, वो सामने कैमरा लगा होता है सबके सामने, और प्लांटेड प्रैंक्स हो रहे होते हैं। तो आप प्लांटेड प्रैंक्स कर लें, आसानी हो जाएगी। देखें ये बात है, रियल प्रैंक ऐसा होता है कि आप चलते चलते जा रहे हो और आपने प्रैंक किया, टाइम लगा ही नहीं आपको, सेकंड में, बिल्कुल सेकंड के अंदर वो काम हुआ, जो कुछ भी होना वो उसी 10-12-20 सेकंड, 1 मिनट के अंदर होना है, सही है ना। और उसके बाद मैंने गाड़ी में बैठना और फिर मेरी गाड़ी चल देनी है, ये होता है हमारे साथ, ये आसान है। और जो प्लांटेड करते हैं ना, उसके अंदर आपको समझाऊं, जैसे आप एक वोट लेके घूम रहे थे, धड़ कर हाँ, मार रहे थे। जी ये जैसे हम, मैं, मेरा इमरान उजाला मेरे साथ होता है, हम दोनों, एक लड़का गाड़ी चला रहा होता है, मैं आगे बैठा होता हूँ, और एक कैमरामैन पीछे होता है। बस जैसे ही हमें कहीं मूड नजर आता है, गाड़ी वहीं जाम करी, पैदल उतरे हम लोग और वहीं जाके फौरन कर दिया। उसमें बहुत टाइम बचता है हमारा, शायद मुझे लगता है अभी के करना है बाकी। अब मुझे लगता है अब तो टूर ही करना है बाकी तो दुनिया का सब कुछ करके आ गए। अब जो कुछ भी करेंगे, अब कोशिश करेंगे अपने वतन में टूर करूं, मैं पाकिस्तान का पूरा टूर करूं, जहां जगह जगह जाऊं, लोगों से मिलूं। आप कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में हर जिले में हर जगह प्रैंक करेंगे? प्रैंक करूंगा, हर गांव में करूंगा, और मैं रियल प्रैंक करूंगा, चाहे मुझे वहां गोली मार। आपने मेरे प्रैंक में देखा होगा, मैं 3 दफा गोली लगने से बचाऊं, सही है, 1 दफा फायर भी हो गए, 2 दफा मैं और नादिर बचे एक साथ, दोनों पे फायर हो गए थे, बस पिस्टलें निकल गई थी हम पे, और 1 दफा तो मेरे पे अकेले में आसिम सन्नाटा चैनल के लिए मैं शूटिंग कर रहा था, फायर भी हो गए, और 1 दफा मेरे सर को उड़ा रहे थे। तो ये आसानी आसानी है, इसमें मजाक मजाक में हमारी जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। अभी जैसे हमने कल एक प्रैंक शूट किया था, तो आप बाखुदा यकीन करेंगे, जिन्होंने मारा है मुझे मुझसे ज्यादा इमरान उजाले को मारा है। इमरान उजाला ऐसा चीखा है कि मुझे वहां इतनी जोर से हंसी आई उसकी चीख सुन के, ये इतना कैसा लग गया इसको। फिर उन्होंने मेरे हंसने पे मुझे जो धोया है, ओहो बहुत मारा कल के प्रैंक के अंदर। बहरहाल मैं आपके चैनल के तवस्तु से एक बात कहना चाहता हूँ लोगों से, कि हम जो कुछ भी करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं, हम पब्लिक के लिए करते हैं, अपनी आवाम के लिए करते हैं, जो मुल्क में है, मुल्क से बाहर है, उनके लिए करते हैं। और हमारा मकसद ये नहीं है किसी का दिल दुखाना, किसी को तंग करना। बाखुदा जिन लोगों से करते हैं, हम उनके पैर पकड़ के माफियां मांगते हैं उनसे बाद में, कि आपकी मर्जी चलेगी, आप बोलेंगे तो हम डालेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से, और लोग इस बात से मेरी बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, मैं आपको अंदाजा नहीं है। अभी तो मैं सन्नाटे में बैठा हूँ, अगर मैं आपको किसी होटल पे बुला लेता ना, तो आप सोच नहीं सकते थे कि कितना रश मेरे साथ होता। ये मेरे गुलाम नहीं है, ये मेरे कुछ नहीं लगते, ना ये मेरे से कुछ लेते हैं, ना ये मुझे जानते हैं, मगर मुझे देखते हैं और रुक के मिलने आते हैं मुझसे, और मैं किसी को जाने नहीं देता हूँ, मैं सबसे मिलता हूँ। मैं एक फकीर भी आएगा ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा बादशाह है वो मुझसे मिलने आया, आसिम सन्नाटा। जब मेरे को कोई कहता है ना आसिम सन्नाटा, तो मैं उसको ये नहीं देखता कि ये बादशाह आया है मेरे पास या कोई फकीर आया है, कौन आया है, वो मेरे लिए मेरा बादशाह ही है।